रुमन सिन्हा जी ने यहाँ आकर के अपना पत्नी धर्म निभाया है। पत्नी धर्म उन्होंने आज निभा दिया, लेकिन एक दिन मेरे लिए प्रचार करके वो पार्टी धर्म निभाए। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। इस चुनाव में भी अजब गजब सीन देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ एक बार फिर मोदी सरकार के मिशन में मजबूती से जुटी हुई है, तो वहीं मोदी को रोकने के लिए प्लान बना रहे मोदी विरोधी दल एकजुट भी नहीं हो पा रहे हैं। यूपी में तो हाल ये है कि नेता अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। लखनऊ लोकसभा सीट को देखकर तो फिलहाल यही लग रहा है। दरअसल अपने बयानों से बीजेपी के लिए सिरदर्द बने शत्रुघ्न सिन्हा को जब पार्टी ने किनारे किया तो कांग्रेस ने तुरंत उन्हें अपने पाले में कर लिया, लेकिन अब वही शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनते दिख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस जहां लखनऊ में प्रमोद कृष्णम जैसे मजबूत उम्मीदवार को उतार कर बीजेपी को टक्कर देने में लगी है, तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार करने की बजाय सपा उम्मीदवार का प्रचार करने में जुटे हुए हैं। दरअसल लखनऊ लोकसभा सीट पर ऐसा पेच फंसा है कि यहां से कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णम को टिकट दिया है, जबकि सपा बसपा गठबंधन ने शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। तो शत्रुघ्न सिन्हा पत्नी पूनम को जिताने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसमें प्रमोद कृष्णम हड़क गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर शत्रुघ्न सिन्हा पर निशाना साधते हुए लिखा है, शत्रुघ्न सिन्हा की हरकतों से लगता है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन तो कर ली मगर अभी तक आरएसएस से इस्तीफा नहीं दिया है। प्रमोद के ट्वीट पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, प्रमोद जी किसी पर भरोसा मत करो, मुझे पक्की खबर मिली है इनको जानबूझकर मोदी जी ने कांग्रेस में फिट किया है ताकि आप चुनाव न जीत सको, ये बात ध्यान में रखकर आप निर्णय लेना, अपने हो इसीलिए आज बता दिया। इस ट्वीट पर बीजेपी समर्थक एक ट्विटर यूजर ने पलटवार करते हुए लिखा है, हमें वापस नहीं चाहिए शत्रुघ्न जी, बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है, आप अपने पास रखो। तो एक तरफ जहां बेचारे प्रमोद कृष्णम बीजेपी से चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद उन्हीं की पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा उनको हराने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब प्रमोद कृष्णम बीजेपी से लड़े या फिर शत्रु से, ये उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बहरहाल इस सीट पर 6 मई को वोटिंग होना है, ऐसे में अब तो प्रचार का समय भी खत्म हो गया है। अब देखना यह है कि वोटिंग के बाद जब 23 मई को नतीजे आएंगे तो शत्रुघ्न के प्रचार के बाद सपा उम्मीदवार पूनम सिन्हा बाजी मारती हैं या फिर बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह या प्रमोद कृष्णम। शत्रुघ्न सिन्हा जी पटना में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं और पूनम सिन्हा जी यहाँ समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा जी ने यहाँ आकर के अपना पत्नी धर्म निभाया है। लेकिन मैं शत्रु जी से ये कहना चाहूँगा कि पत्नी धर्म उन्होंने आज निभा दिया, लेकिन एक दिन मेरे लिए प्रचार करके वो पार्टी धर्म निभाएं। वो अपनी वार्ता में कह रहे हैं कि परिवार से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा राज, फिर अब इसका जवाब तो शत्रुघ्न सिन्हा जी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात साफ की है कि व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा देश। मैं भी सहमत हूँ, लेकिन ये बात, इस बात का जवाब, इस सवाल का जवाब तो शत्रुघ्न सिन्हा ही दे सकते हैं। क्या लगता है पार्टी आला कमान को कुछ इस पे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इतना गंभीर विषय है, क्योंकि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच है।